आज का जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, उस पे बोलते मैंने अपना कवि को सुना था कि अनएम्प्लॉयड यूथ तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं और बाहर मौज कर रहे हैं। उसमें मेरे को लग रहा है वो मौज नहीं कर रहे हैं, वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारा देहाती लैंग्वेज में बोलेगा तो पहुआ और बिरयानी के पीछे भागते जा रहे हैं। ये हाल है हमारा युवाओं को, मगर वो एक अलग बात है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या प्रॉब्लम है? यहां पे जितना भी स्पीकर अब तक बोले, कुल मिला के एक बात में एग्रीड है, जब तक सत्ता नहीं आता तो हम कुछ खास नहीं कर सकता है, खास सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, मगर क्या नौकरियां एक साथ पैदा होता है या बढ़ते जा रहे हैं या गायब होते जाते हैं? नौकरी इतना ज्यादा ना तो अचानक आ जाते हैं या अचानक जाते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी का आउटकम है, सरकार का, सत्तेदारी पार्टी का एक इकोनॉमिक पॉलिसी होता है, उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट मार्केट हो या कोई भी फील्ड हो उसका कंट्रोल हो जाता है। अगर आप देखें तो पिछले सरकार जब थे उन्होंने MNREGA चलाया था, अचानक एम्प्लॉयमेंट मार्केट से लोग गायब हो गए थे, क्योंकि गांव में लोगों को कुछ खाने के लिए मिलने लगा, शहर में आने कम हो गया, तो उनका जो आमदनी बढ़ रहे थे। जैसे ये सरकार आए, MNREGA कदम करा और जो नोटबंदी लेके आया था, बिल्कुल मार्केट में कोई काम ही नहीं रह गया। तो मेरे कहने का मतलब ये, सोची समझी साजिश की वजह से एम्प्लॉयमेंट मार्केट में दिक्कतें आ जाता है। मगर असली में क्या होता है उसे? हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को रिलेटेड है, लेबर को रिलेटेड इतने सारे कानून हैं, उसमें एक ऐसा कानून है जो बताता है कि 14 साल का बच्चों को कभी काम में नहीं लगाना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो लेबर जो है, चाइल्ड लेबर अबोलिशन जो करते हैं, पर आज का डेट में डाटा बताता है 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ बच्चे जो बंधुआ नौकर के तरह घरों में काम कर रहे हैं, और 55 मिलियन 5 करोड़ के करीब बच्चे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के 6 करोड़ बच्चे जो फंडामेंटल राइट उनको दिए हुए है कि फ्री एजुकेशन जो मिलेंगे, उन बच्चे नौकरी में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? और आखिर कुछ 4-5 साल से इस सरकार आने के बाद ऐसा पॉलिसी अपनाया है कि कोई डाटा, सीधे डाटे पब्लिक के पास नहीं पहुंचे, लेबर का कोई भी डाटा। पिछले जो वक्त थे लास्ट सेशन का, उन्होंने बताया था 2012 के बाद कोई डाटा डिटेल में बाहर रही। क्यों? लोगों को ये सारे बातें सोचने का जरूरत नहीं है, उनके लिए तो मंदिरें खुल चुके हैं। मगर अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर अगर आप देखेंगे, ये कहते हैं कि 3.5% थे 2014 में, वो बढ़ के
7% के ऊपर हो चुका है, करीब 4 करोड़ के करीब अनएम्प्लॉयड यूथ है। ये भी फिगर कोई कंफर्म फिगर नहीं है, अंदाजा है बता रहा हूं। अगर आप ये चाइल्ड लेबर जितना मार्केट में आया हुआ है और ये अनएम्प्लॉयड यूथ के फिगर टैली करेंगे तो चाइल्ड लेबर ज्यादा है। और ये क्यों मार्केट में है उस पर अगर आप सोचेंगे तो आपको ये सोचना होगा, जो हमारे देश में सबसे जो नीचे लेवल का जो मिनिमम वेजेस वाला जो काम करने वाले लोगों को कितना तनख्वाह मिलता है और उस लेवल पे काम करने वाला कितने लोग हैं। हमारे देश में वर्किंग जो पॉपुलेशन है 47 करोड़ के आसपास है, उसमें से 40 करोड़ अनएम्प्लॉयड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें ज्यादा नहीं तो 50% 20 करोड़ जनता जो मिनिमम वेजेस के लेवल पे काम कर रहे हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि जो मिनिमम वेजेस में काम करने वाले लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तरफ सारे सरकारी ऑफिसेस में, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, सारे प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके आया, उसको भी अबोलिश किए हुए कानून है हमारे देश में 1970 से लेके। और हम अमोद के कुछ लॉयर्स ने, हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स है, हमारा खुद के सिग्नेचर के साथ एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस और 25 जजेस के घर पे जाके दिए थे हमने कि इसी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सामने वाले इसी सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहे। आज का डेट में दिल्ली में 14,000, उस वक्त तक करीब 12,500 के करीब, और लोगों को उस वक्त मिलता था 7,000 या 7,500 यहां पे। और हैरान की बात यह है इस सुप्रीम कोर्ट का 25 जजों का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई उसको देखा नहीं। क्यों? अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस को इसके बारे में कोई बॉदरेशन नहीं है, क्या सरकार की सरकार में जो बैठे वाले लोगों को इसका कोई बॉदरेशन होगा? और क्यों ये हो रहा है और कौन है ये 20 करोड़ जनता जिसको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते है? और उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलने से क्या हो जाता है? 20 करोड़ जनता में से 100 भी, केवल 100 नंबर भी आपका जो सबसे ऊपर का श्रेणी का जो लोग नहीं होगे उसमें, आपका बहुजन का होगा 99%। अगर आपका बहुजन का ही लोग है ये मिनिमम वेजेस के लेवल पे काम कर रहे हैं तो क्या हमारा बहुजन का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक लेबर यूनिट है? आप बीएसपी का ले लो या कोई और पार्टी का ले लो, हमारे पास कम से कम देश में 4-5 पार्टी तो है बहुजन का पार्टी खाने वाला, किसी के पास एक लेबर का डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आरएसपीएस का प्रेसिडेंट और स्थापक से को धन्यवाद देता हूं, ये टॉपिक आप लोगों ने लिए, इतना गंभीर टॉपिक है, आप लोगों को ये भोजन का जो पार्टियों को मजबूर करना जरूरी है। जब सबसे ऊपर वाला पोजीशन के लिए हम लोग बात करता है, लड़ाई करता है, रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, तो अगर 20 करोड़ जनता के बारे में आप बात नहीं करेंगे, वो जाएगा वही जहां पे दूसरे का काम करने के लिए, आपके पास सत्ता आ ही नहीं सकता, आएगा तो भी चले जाएगा अगले दिन। तो मैं ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा, मगर मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा कि
जब मिनिमम वेजेस एक आम वर्कर को नहीं मिलता है, एक आम वर्कर के नौकरी से कम 3 या 4 बंदे अपना गुजारा करते हैं घर पे, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को खाना देना है। जैसे आज का डेट में 14,000 जो मिलना है वो नहीं मिलते हैं, 10,000 से नीचे मिलते हैं, तो उनको अपने बच्चे को भी नौकरी में भेजना पड़ता है, वही आता है ये बच्चे दूसरे नौकरी में जो दिखाई देते। और केरला में अगर आप जाके देखेंगे तो रिटायरमेंट एज जो है, टीचर्स रिटायर होते हैं 55 साल में, बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर होता है 58 ईयर्स में, और या पब्लिक से, जो स्टेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेक्स में 60 साल तक काम कर सकता है। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 60 कर दिया है और 60 के बाद भी इतना एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में देखो, जो 40 करोड़ जनता जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको काम करना पड़ता है जब तक मरते नहीं है, दो पहिए में जब तक चलता है वो काम करने के लिए जाता है। ये स्थिति इसलिए आता है जो सबसे नीचे वाला जो वर्कर है मिनिमम वेजेस लेवल पे जो काम करते हैं, उनको अपने परिवार को चलाने के लिए या अपने बुढ़ापे को सहारा करने के लिए कुछ सेविंग करने के लिए बाकी नहीं बचते। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है वो इश्यू इसलिए है, मार्केट में सरप्लस लोग नौकरी ढूंढने आ जाता है, वो लोग उन खरानों का है जो खराने का मेन एर्निंग मेंबर को बेसिक मिनिमम वेज नहीं मिलते। ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इस पे काफी बड़ा स्टडी के बात है, पर आप लोगों को एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, अंबानी साहब का रिलायंस ने एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ मुनाफा पा लिया है, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में 10,000 करोड़ कितना अमाउंट है वो आप सोच भी नहीं सकते, उतना अमाउंट है एक बंदे के घर का प्रॉफिट 3 महीने का। ये उस देश में है करोड़ों जनता शाम को एक वक्त का रोटी भी खा नहीं सकता है, इसलिए ये एक सोची समझी साजिश की तरफ ये हो रहा है। 27 इसका एक मात्र सॉल्यूशन है, मगर 70 हमारे हाथ में आने के बावजूद इसका सॉल्यूशन नहीं होगा जब इस बारे में हमारे पार्टियों सोचते नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।